सर आगमन पर पंजाब आगमन पर आपको बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो हम उद्देश्य जानना चाहेंगे सर। अब देखिए, हम यहाँ पर प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं और हम सब ने मिलकर मैत्रीबोध परिवार की तरफ से यहाँ पे प्रार्थना की कि सब जगह प्रेम और शांति का ही स्थान रहे और इससे बड़ी पवित्र जगह शायद ही कहीं पर हमें दिखाई दे। तो हम सब ने दरबार साहब के यहाँ पे पहुँच के अपने दिल से प्रार्थना की है और हम यही कहना चाहेंगे कि आज इस समय बहुत ज़रूरत है सभी के लिए कि जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो पाठ सिखाया है, उस पाठ को हर व्यक्ति को, पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश में ही जहाँ पर भी लोग हैं, सभी लोग गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है, जो प्रेम की भाषा है, उसका पालन करें ताकि भेद खत्म हो जाए और सब एक हो जाए। यही एक आशा है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और जैसे अभी एक नई सोच के साथ नई सरकार आई है, तो हम उनसे भी यही विनती करेंगे आपके द्वारा कि जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वो आपके द्वारा सब तक पहुँचे, धर्म का पालन हो और कीरत करो, अच्छा कर्म करो, लोगों का कल्याण करो, ताकि सब इकट्ठा हो कि एक परिवार के तौर पे उभर कर आए और पंजाब प्रांत उन्नत हो, यही आशा करते हैं हम। परमात्मा सबके साथ है, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। मैं तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो अनरेस्ट का टाइम इस वक्त चल रहा है, लोग जो वरिड हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रॉपर तरीके से इमोशनल डाउन हुए हुए हैं, तो उनके लिए कुछ एक प्रॉपर संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं यही कहूँगा जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर परमात्मा का वास है, प्रेम का वास है। अगर सभी लोग इसके साथ एक संबंध बना देते हैं, प्रेम के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने परमात्मा के साथ, तो अपने आप सब जगह शांति फैल जाएगी, स्थापित हो पाएगी। भेद को आपको त्यागना है, हिंसा को त्यागना है और प्रेम का स्वीकार करना है। जैसे आप प्रेम का स्वीकार करेंगे, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा, है ना। आप एक साथ आ जाइए, सबको भाईचारे से मिलिए और लोगों का कल्याण कीजिए। सर आगमन पर, पंजाब आगमन पर आपको बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो हम उद्देश्य जानना चाहेंगे सर। अब देखिए, हम यहाँ पर प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं और हम सब ने मिलकर मैत्रीबोध परिवार की तरफ से यहाँ पे प्रार्थना की कि सब जगह प्रेम और शांति का ही स्थान रहे और इससे बड़ी पवित्र जगह शायद ही कहीं पर हमें दिखाई दे। तो हम सब ने दरबार साहब के यहाँ पे पहुँच के अपने दिल से प्रार्थना की है और हम यही कहना चाहेंगे कि आज इस समय बहुत ज़रूरत है सभी के लिए कि जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो पाठ सिखाया है, उस पाठ को हर व्यक्ति को, पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश में ही जहाँ पर भी लोग हैं, सभी लोग गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है, जो प्रेम की भाषा है, उसका पालन करें ताकि भेद खत्म हो जाए और सब एक हो जाए। यही एक आशा है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और जैसे अभी एक नई सोच के साथ नई सरकार आई है, तो हम उनसे भी यही विनती करेंगे आपके द्वारा कि जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वो आपके द्वारा सब तक पहुँचे,